नमस्कार दर्शक जीटी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानको स्वागत करुची मु स्वप्ना आसंतु नजर पकाइबा रायगढ़ जिला काशीपुर ब्लॉक कंसारीगुड़ा खबर परे आदित्य बिल्ला हिंडोल कर 8500 कोटी टंका बेयरे हेबाकु थिबा ए प्रस्तावित रिफाइनरी प्रकल्प को आलुमिना रिफाइनरी कारखाना रो कार्य आरंभ निमित्ते पार्श्व कार्यालय टी आज फुल जोबरा रे उद्घाटन करा जायछि। फुलजोबा स्थित आदित्य बिल्ला हिंडोल कर आलुमिना रिफाइनरी को उत्कल आलुमिना इंटरनेशनल लिमिटेड रो यूनिट हेड श्री मजहर बेग आनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करितबा बेले सम्मानित अतिथि भावे कारखाना रो सुधाकर बिस्वाल फाइनेंस हेड दीपक राउत सिविल हेड गोविंद चंद्र नायक डीपी सभापति यूएआईएल पूर्वतन विधायक कैलाश कुलशिखा पारदा कुलशिखा कंसारी जानी राजेन्द्र दुरिया दयल चौधरी विजय कुमार चौधरी विद्या चौधरी दीनबंधु झोड़िया बांकांबा सरपंच समिति सभ्य पड़ापाड़ी सरपंच कड़िंगामाली सुरक्षा मंच कर्मकर्ता समेत हजार रु ऊर्ध कर्मकर्ता जोगदे अतिथि गण को स्वागत कर पाछोटी नहीं दुईटी जिलार मध्यभाग रायगढ़ जिलार काशीपुर और कोरापुट जिलार लक्ष्मीपुर अंचल खुशीर लहरी खेली जा दीर्घ बर्षर प्रतीक्षा जमी हर अनेक संघर्ष पर निकटने आशार आलोक संचारी उठी। उद्घाटनी उत्सव में कंपी उठी मजहर बेग स्वागतम स्वागतम दोरागुड़ा स्थित उत्कल आलुमिना कारखाना यूनिट हेड श्री मजहर बेग मुख्य अतिथि रूपे जोगदे आनुष्ठानिक भाव प्रोजेक्ट पार्ट्स कार्यालय को उद्घाटन करछन्ते एवं तांकर प्रतिक्रिया कौन रही आसंति जुड़ीबा। सभी ऐसा ही बुरा फैक्ट्री के शुभकामनाएं रखने वाले सारे लोग सबका नाम लेने जाओगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। एक बात कॉमन है कि ये टाइम पे जो 15-14 साल से जो आप इंतजार कर रहे थे उसका एक अंत सामने नजर आ रहा है और इसके अंदर सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है। आदित्य बिरला का कमिटमेंट सराहनीय है। इतने दिन तक हम इस चीज पे अड़े रहे कि हमको यहाँ के अंचलवासियों को विकास के लिए इस रिफाइनरी को लाना है और आप सब लोग इस प्लांट के लिए कंसारीगुड़ा प्लांट के लिए कब से वेट कर रहे हैं और आज से 5-6 महीने पहले जो पब्लिक हियरिंग आप लोगों ने एक बहुत अच्छे समर्थन के साथ सक्सेसफुल बनाया उसी से ये एक शुरुआत हुई है और अभी सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। अभी जो प्रयास अभी चल रहे हैं उसके हिसाब से कुड़िंगामाली बॉक्साइट का ये रास्ता सामने नजर आ रहा है तो क्योंकि रिफाइनरी के लिए बॉक्साइट जरूरी है और वो चीज अभी सामने बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि उसका एक रास्ता खुलने वाला है और उसी में सभी लोग का सहयोग मिल रहा है और एक माहौल ऐसा बन रहा है कि अभी ये चीज होके रहेगी ऐसा लगता है। इसीलिए यहाँ पर हमने अपना एक ऑफिस आदित्य बिरला का ऑफिस खोला है और उस आदित्य बिरला ऑफिस में हमारे जो अधिकारी लोग यहाँ डेली बेसिस पे आया करेंगे और उसी के तहत दीपक राव जी यहाँ पे रहेंगे और एक परमानेंटली हमारे जो भाव राव सोनावाने जी हैं उनको भी हम लोग बॉम्बे से ट्रांसफर करके इसीलिए लाएंगे वो यहाँ पर डेली आप लोगों के संपर्क में रहेंगे और यहाँ पे ऑफिस को अटेंड करेंगे और जिससे कि एक और चलती रहेगी और जो हमारा जो भी रिफाइनरी का जो हमने जमीन अधिग्रहण किया था तो उसके लिए जगन्नाथ नेतृत्व सभा दिन से बढ़िया दिन में आज ये ऑफिस उद्घाटन है पूरा श्रेय बेग सर को जाऊँगी कहीं गोटे स्ट्रंग डिसीजन नहीं कले अंचलवासी जो
थिला जे एटा हो बोली एते वर्ष परे सेटा वर्तमान सदर हो जाउची एंड प्रथम स्टेज रे प्रथमे जो सर कहितले मीटिंग रे जे सब गांव रो बाउंड्री आरंभ करियो हमें आदि परे फाइनल रो एंड बहुत जल्दी एटा हम करिवु आ हमर ऑफिस ऑफिस खोलने आम टीम आसब तेनाली सियाड़े कौट जावाक पड़ोनि ये समस्ते आसवे आठ कम मोर प्रथम कम है चार बुले कौट कौट बाउंड्रल हम प्रथम सब गाँव रुलिक देखा पड़े मत तार गोटे पेपर कम सब आरंभ कराया पड़ो तो मोटामोटी दु तीन मस ऑफिस रेडी हम अफिस कम सब रेडी हम तो सेप्टेम्बर अक्टोबर को पूरा जोर कम आरंभ हिंडल कोका और सर आपका जो अक्टूबर महीना में अक्टूबर 5 तारीख में आपका पब्लिक हेयरिंग हुआ था उस टाइम में आपका अधिकारी बोले थे क्या हमको 70% माइंस मिलेगा तो हम तुरंत यहाँ हिंडल कोका फैक्ट्री जो है रिफाइनरी फैक्ट्री वो शुरू करेंगे बोल के बोलते आज 8 महीना हो गया है अभी तक शुरू नहीं हुआ। लास्ट महीना एक OMC का एक पेपर निकला था हम व्हाट्सएप जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व्हाट्सएप माध्यम से पता चला कि 70% आपको पड़िया माइंस से माइंस मिल रहा है और 30% आपको उसका ऑप्शन में लेना पड़ रहा है बल्कि उन लोग दिए थे तो आप लोग उसमें कितना सहमति बनाया है और कब तक ये माइंस चलते रहेगा और कब तक आपका प्लांट शुरू होगा या माइंस बंद होगा माइंस बंद होने के बाद आप प्लांट शुरू करोगे या माइंस चलते रहेगा आप प्लांट शुरू करेंगे और यहाँ अभी बहुत युवक युवती है उनका बेकार समस्या भी बढ़ते जा रहे हैं दादन खटने के लिए बाहर जा रहा है उन लोग के पास रोजगार नहीं है आप उन लोग को क्या विचार कर रहे हैं आपका उत्कलों में कितना लोग के ले सकते हैं क्या दूसरा भी आप ब्रांच है उनमें कितना लोग को आप रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बोले हैं कि जो एक लेटर आया था बीच में वो एक सही दिशा में एक सही कदम है लेकिन उसके उस लेटर के अंदर कुछ और पूरी क्लियरिटी नहीं है उसके अंदर पुडिंगा माली माइंस कहीं लिखा हुआ नहीं है एक ये पॉइंट उसके अंदर है बट उससे एक इच्छा ज़रूर समझ में आती है कि OMC उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है वो थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं उसके अंदर वो पूरी होने से जो आप बोला 70% वो 70% का कमिटमेंट हम लोग जो दिया है हम लोग उसके ऊपर अभी भी रुका हुआ है सिर्फ ये बॉक्साइट का रास्ता पूरी तरह निकल जाए लेकिन इस उसका हम इंतज़ार नहीं कर रहे हम क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है हम कुछ पेरिफेरल वर्क चालू कर देते हैं बाउंड्री वर्क वगैरह और इसका रास्ता बहुत ही जल्दी निकलने का उम्मीद है हमको तो क्योंकि वो एक कदम हुआ कि एक लेटर आया वो लेटर के अंदर हो सकता है कुछ कमी हो उस कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही वो कमियाँ दूर हो जाएंगी तो हमारा कमिटमेंट है एज़ फार एज आप जो बोला कि माइंस बंद चालू वो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं बंद वगैरह थे उसमें हमको अपना कमिटमेंट बॉक्साइट का रास्ता चाहिए बाकी जब तक रिफाइनरी बनेगी तब तक जो सरकार जिस तरह चाहती है वो चलता रहेगा। सर आप जो बोल रहे हैं कन्फर्म अभी तक नहीं हुआ है तो ऑफिस शुरू करने का वजह क्या है? नहीं देखिए कोई भी कदम जब उठाया जाता है उसमें कुछ छोटी मोटी कमी रह जाती है तो इसका मतलब ये है कि सही दिशा में प्रयास जारी है और वो सब तरफ से है तो उससे हमको एक उम्मीद जगती है और जो जिस तरह से हमको जो खबर है उससे लगता है कि एक सही दिशा में कदम उठाया जा काशीपुर फुलजोबा को क्षमासागर नायक का रिपोर्ट जी टी भारत ओडिया।